किटमा यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूँ आशीष। इस वक्त मैं और मेरी टीम है बाराबंकी में, जो कि लखनऊ के ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करता है। और अभी हमने पिछला जो मेडिकल कॉलेज रिव्यू किया है वो था मायो मेडिकल कॉलेज। अब हम जा रहे हैं अगले मेडिकल कॉलेज की तरफ, जिसका नाम है हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बाराबंकी में लोकेटेड है। मायो और हिंद के बीच की दूरी जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर की है, और अब हम कॉलेज के एरिया में पहुंच गए हैं। तो ये अप्रोच रोड है कॉलेज का, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये हाईवे है, और ये कॉलेज का लोकेशन। आसपास में आप देख सकते हैं छोटे शॉप्स वगैरह हैं, जहाँ पे कुछ आपको खाने पीने का सामान वगैरह जरूर मिल जाएगा। और ये राइट हैंड साइड पे हिंद बाराबंकी का कैंपस है। तो अब हम लोग कैंपस के अंदर में एंटर करने वाले हैं, और एंटर करने के बाद में हम लोग इसे इवैल्यूएट करेंगे और फिर इसकी जो भी फीडबैक है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, टीम गिटमा यूनिवर्सिटी के तरफ से मैं हूं आशीष। इस वक्त मैं और मेरी टीम है हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बाराबंकी में लोकेटेड है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह कॉलेज टॉप मोस्ट कॉलेज के ज़रूर माना जाता है। करेंटली अगर देखा जाए कट ऑफ के भी बेसिस पे तो नंबर 3 नंबर 4 पे फॉल करता है। पिछले 2-3 साल में इस कॉलेज की रैंकिंग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के मिला, बहुत इम्प्रूव कर गया है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कई कॉलेज हैं यूपी के अंदर में, और उसके बीच में कम्पीट करके अगर तीसरी पोजीशन पे अगर फॉल कर रहा है तो डेफिनेटली कॉलेज की एकेडमिक्स बहुत ज़रूर अच्छी है। तो उसी हिसाब से जब हम यहाँ पे आए और बच्चों से बात किया हमने, तो उनसे जो एकेडमिक को लेकर के जो फीडबैक मिला वो बहुत ही अप्रिशिएटिंग लगा हमें, कि एकेडमिक के बारे में वो बड़ाई ज़रूर कर रहे थे। वहीं सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में पेशेंट लोड भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। जिस तरीके का लोकेशन है और बाराबंकी के अंदर में जो ऑप्शंस हैं लोगों के पास में, उसके हिसाब से हिंद बाराबंकी एक अच्छा ऑप्शन होता है जब मेडिकल फैसिलिटी की बात आती है। अब मैं आपको बताता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ज़रूर डिसअपॉइंटिंग लगा, इतनी बड़ी कैंपस ज़रूर है बट अगर ये मेंटेन होती तो बहुत ब्यूटीफुल कैंपस होता। तो यहाँ पे एक गैप मुझे लगता है कि इस कॉलेज के अंदर में दिख रहा है। कई कॉलेज हम गए थे वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को जब हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मार्केट के रुक जाते हैं और समझना चाहते हैं कि यहाँ पे आखिर इशूज़ क्या है। यहाँ पे मुझे लगा था कि अगर इसे मेंटेन किया जाए तो ये बहुत अच्छा कैंपस ज़रूर लगेगा। कैंपस के अंदर में आपको मेरे पीछे में जो ये आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल ब्लॉक है, एकेडमिक बिल्डिंग यहाँ पे है, पीछे की साइड पे आपको हॉस्टल्स हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको मिलेगी। 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था कॉलेज, यूजी में 150 का इनटेक है। वहीं पीजी की बात करें तो पीजी में भी अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पे हैं आपको पीजी की सीट्स के ऊपर में, तो सारे मेजर डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, और ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो जिस हिसाब से ये कॉलेज फॉल कर रहा है और आने वाले टाइम पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट और हो गई तो कॉलेज सर्टेनली वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन में आएगा इसका नाम। और हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपको कम फीस पे एक अच्छी एकेडमिक वाला कॉलेज चाहिए तो उसमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप मैं ये नहीं बोलूँ कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बट हाँ थोड़ा सा आपको एक फर्स्ट फीलिंग जो होती है कॉलेज में आने के बाद में वहाँ पे आपको थोड़ा गैप लगेगा, बट अदरवाइज आपको ओवरऑल कॉलेज डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एकेडमिक और दूसरा पेशेंट फ्लो, वो दोनों आपको अच्छा मिल रहा है, फैकल्टीज अच्छे हैं, और बाकी के माइनर इश्यूज को अगर वर्कआउट कर लिया जाए मैनेजमेंट की तरफ से तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए बाकी के एनालिसिस के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, उस वक्त हम आपको और भी डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। We'll be right back.